मार्केट काफ़ी रेड दिख रही है और सारे ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड कर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, तो आखिर उसका क्या मतलब है? तो मैं वापस आ गया हूँ आप लोगों के लिए बिटकॉइन की अपडेट लेकर। ये वीडियो काफ़ी कम टाइम में आती है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इसमें मैं आप लोगों को कुछ ऑन चेन मेट्रिक्स समझाने वाला हूँ। बिटकॉइन की प्राइस कहाँ जा सकती है आने वाले टाइम में, ये सब चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा। तो इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखना, और अगर अभी तक आप चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को भी लाइक करना, एंड टेलीग्राम पे भी ज़रूर जुड़ना, ठीक है? टेलीग्राम पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, ये टेलीग्राम पेज है हमारा, इस टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगी, ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स के नाम से आपको मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए फिलहाल के लिए बिटकॉइन की प्राइस कितना चल रही है, $47,250, ठीक, और इसी के आसपास चल रही है। कल या परसों मैंने आपको इसके बारे में पॉसिबल चीज़ बताई थी कि 42,000, और उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि अभी एक क्रैश आने को और बन सकता है, वो प्रॉबेबली ये वाला भी हो सकता था जिस पॉइंट में मैंने इसको खिसका के, जब अभी बिटकॉइन पिछले कुछ दिनों में 44,000 तक चला गया था, वो पॉइंट भी हो सकता था, और बेसिकली वो ये पॉइंट भी हो सकता था 42,000। हमें देखना था 42,000 का लेवल ताकि हमें एक कन्फर्मेशन मिलता, पर प्राइस उतनी नहीं गई तो हम लोग ऊपर की ओर आए, 50,000 हम लोगों ने टच किया। पर अब अगर हम नीचे आते हैं तो हमें मेक श्योर करना कि हम यहाँ से नीचे ना जाएँ 47-46 से नीचे, और हम अगर नीचे आते भी हैं तो हमें $42,000 के मार्क से वापस ऊपर जाना होगा। ये एक अच्छी चीज़ है, अगर हम इससे ऊपर नहीं गए, 42,000 ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे साफ साफ मतलब होगा ये एक फेक आउट था। अब तक जो ये चल रहा था पिछले जुलाई अगस्त में, पूरा अगस्त के महीने जो हुआ वो पूरा का पूरा एक फेक आउट था, और उसका मतलब यही होगा कि असल में हम बहुत बड़ी बियर मार्केट में हो, ये बहुत बड़ी बियर मार्केट हो जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ, $42,000 से टूटा। बट आई डोंट थिंक कि ये होगा, ठीक, ये एक पॉसिबल एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत से लोग आपको ये बताएंगे चीज़ें कि 42 टूट सकता है, टूट सकता है, हाँ टूट सकता है, बट उसके चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रेशर काफ़ी बढ़ रहा है, एक्यूमुलेशन काफ़ी बढ़ रहा है, जो डेटा है उसको देख के हम बाकी चीज़ें समझेंगे। ये डाइवर्जेंस एक प्राइस में बन रहा था पिछले कुछ दिनों से, तो ये डाइवर्जेंस प्ले ऑफ कर रहा है, एंड ये जो क्रैश है इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा आपको यहाँ पर एक्यूमुलेट करने चाहिए अच्छे कॉइन्स। अच्छे कॉइन्स कौन है? सोलाना, कितनी अच्छी रैली कर रहा था, सोलाना फिर से रैली करेगा, आपका एडा हो गया, कार्डानो अच्छी रैली कर सकता है, डॉट हो गया, आपके पास बहुत से कॉइनों की भरमार है, तो आप उन सबको बाय कर सकते हो, एक्यूमुलेट कर सकते हो। अब चलते हैं ऑन चेन मैट्रिक्स को लेकर। सबसे पहला मैट्रिक है बिटकॉइन बैलेंस ऑन एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन का बैलेंस आपको पता है जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे कुछ ना कुछ सेलिंग होती है, बेयर मार्केट आती है, क्रैश होता है। तो अब देखो मई से जुलाई तक एक्सचेंजेस में बिटकॉइन बहुत मात्रा में आया था, और ये एक साइन था कि बिटकॉइन जो है क्रैश हुआ था उस समय, तो बिकने के लिए मोस्टली जो है एक्सचेंजेस में बिटकॉइन आते हैं। फिर अचानक से देखिए जुलाई के अंत में, अगस्त, जुलाई और अगस्त के अंत में आप देखोगे यहाँ पर पूरी तरह से बैलेंस एक्सचेंजेस से कम होते हुए अब यहाँ पर स्टेबल हो गया एक पॉइंट पर, और ये वही पॉइंट है जहाँ पर पिछली बार भी स्टेबल था, तो ये स्टेबिलिटी बता रहा है। और यहाँ से देखिए थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्सचेंज में बढ़ भी रहा है इनफ्लो, तो मतलब एक्सचेंज पे बिटकॉइन छोटे मोटे अमाउंट में आ रहे हैं, पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि फिर से क्रैश होगी क्या, जब तक नहीं कह सकते तब तक ये हमें एक बड़ा प्रूफ ना देते, या फिर इतना ना बढ़ा बढ़ने लग जाए, ठीक। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ को, लेकिन नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी, बिटकॉइन नेट ट्रांसफ़र वॉल्यूम फ्रॉम टू एक्सचेंजेस, मतलब एक्सचेंजेस से बाहर कितना जा रहा है और अंदर कितना आ रहा है। अब देखोगे यहाँ पर मॉडरेट इनफ्लो हुआ था यहाँ पर मई और जून के समय में, और यहाँ पर आउटफ्लो हुआ जुलाई अगस्त। आउटफ्लो का मतलब है लोगों ने खरीद के अपने वॉलेट में भेज दिया बिटकॉइन, और कितनी ज़्यादा अमाउंट में भेजा है, तो ये एक्यूमुलेशन, यही एक्यूमुलेशन है जो पॉजिटिविटी दिखा रहा है और बिटकॉइन के प्राइस को ऊपर जाने की उम्मीद दिखा रहा है। बिटकॉइन स्पेंड आउटपुट जो एज बैंड्स हैं वो बता रहा है कि इंक्रीजिंग स्पेंडिंग बाय ओल्ड हैंड दिस वीक, मतलब जो ओल्ड हैंड्स हैं जिन्होंने बिटकॉइन पहले लिया था वो थोड़ा बहुत अपना बिटकॉइन सेल कर रहे हैं, लेकिन उनके सेलिंग से असर उतना मार्केट पर नहीं पड़ रहा है, जो नए लोग हैं वो बिटकॉइन उतना खरीद ले रहे हैं, तो सेल प्रेशर जो है वो एब्जॉर्ब हुआ जा रहा है। पर यहीं पर अगर ओल्ड हैंड्स वाले लोग कर रहे हैं, बेच रहे हैं, यही एक कंसर्न का जो है हमारे लिए एक चीज़ बन जाती है कि क्यों ओल्ड हैंड्स वाले अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं ऐसे टाइम पर। हो सकता है, ये हो सकता है कि उन्होंने नीचे बाय किया हो, या फिर उन्होंने पहले बाय किया था बिटकॉइन को, अब वो $50,000 पे आने पर अपना छोटा मोटा प्रॉफिट निकाल रहे हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ हो, ये भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन एंटिटी एडजस्टेड एसॉल, तो ये बताता है कि ओल्ड कॉइन डोमिनेट कर रहे थे यहाँ पर नवंबर 20 से जनवरी 21 तक, उसके बाद आप देखोगे
मई में क्या हुआ, डिप आई, डिप में होल्ड किया बहुत से लोगों ने, ठीक। लेकिन अब जब से जुलाई से अगस्त में ओल्ड कॉइन्स जो हैं वो अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं, मतलब जितने भी ओल्ड कॉइन पुराने कॉइन्स जिन्होंने पहले लिए थे वो अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अब की अगर कोई क्रैश आए तो उनका लॉस हो। BTC का SOPR अबव है, मतलब अबव चल रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बिटकॉइन के जितने भी कॉइन्स हैं जिन्होंने रखे हैं 86% जो हैं वो प्रॉफिट में चल रहे हैं, मतलब कि लोग बिटकॉइन को जिन्होंने ख़रीदा है उनमें से कई सारे लोग प्रॉफिट में ही हैं और वो लोग लॉस में नहीं चल रहे हैं। ये एक अच्छा डेटा है जो हमें बता रहा है एक अच्छा पोटेंशियल। अब बात कर लेते हैं स्मॉल एड्रेसेस को लेके। इथेरियम के स्मॉल एड्रेसेस यानी 0.1 से लेके 1 इथेरियम जिनके पास है, और बिटकॉइन के स्मॉल एड्रेसेस 0.0001 से लेके 0.1 BTC जिनके पास है, वो सभी बढ़ रहे हैं और बढ़ते बढ़ते आप देखोगे एक पॉइंट पे आ रहे हैं 14 से 15 मिलियन से ऊपर, यानी कि 15.5 मिलियन के आसपास दोनों एड्रेसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। और ये ग्रोथ जो है बताती है कि जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो डेली नए लोग होते हैं क्रिप्टो में आए हुए, जो लोग बहुत समय से नहीं होते हैं, नए लोग जो होते हैं वो बाय कर रहे हैं काफ़ी बल्क में, जबकि ओल्ड लोग जो हैं वो अपने खरीदे हुए बिटकॉइन का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट जो डेटा की, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही है जो सबसे कंसर्न कर रहा है, जिसकी वजह से बिटकॉइन अच्छी रैली नहीं कर पाया, अभी 50,000 से ऊपर टिक नहीं पाया। देखिए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होते हैं कि बिटकॉइन का लेन देन कितना हो रहा है। बिटकॉइन का प्राइस ज़रूर बढ़ रहा है सप्लाई डिमांड की वजह से, क्योंकि एक्यूमुलेट हो रहा है बिटकॉइन, लेकिन आप अगर गौर करो तो बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन बहुत कम हो गए हैं पिछले समय से। इस साल काफ़ी अच्छे, आप देखोगे मई 2019 से लेके आप देखोगे यहाँ तक जनवरी 2021 के बाद, ये सबसे ज़्यादा कम यहाँ पर हम पहुँचे हैं जहाँ पर ट्रांजैक्शन इतने कम हुए हैं। और ये क्रैश भी हालांकि काफ़ी बड़ा था, तो इस वजह से मानते भी हैं कि धीमे हुए हैं ट्रांजैक्शन, पर धीरे धीरे ट्रांजैक्शन थोड़े बहुत बढ़ते दिखाई भी दे रहे हैं। अब देखना हमें ये होगा कि 2 लाख ट्रांजैक्शन पर डे चल रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा बढ़ते हैं ट्रांजैक्शन तो अच्छी बात होगी, वरना यहाँ पर हमें ये बताता है कि यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन में कम पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बिटकॉइन में फ़ीस ज़्यादा लगती है, बाकी चीज़ें भी हैं, तो लोग बिटकॉइन में प्रेफर नहीं कर रहे हैं और उसको होल्ड कर रहे हैं, ठीक। तो ट्रांजैक्शन बढ़ने चाहिए, हर मार्केट में हमें ट्रांजैक्शन बढ़ते दिखे हैं, बियर मार्केट हो या बुल मार्केट हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको पता होनी चाहिए गाइस, ठीक है। और ये जो ट्रांजैक्शन वाला है ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर वापस आते हुए, फिलहाल के लिए आप क्या कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हम इसको विजिट करें, $42,000 का लेवल मैं आपको बताऊँगा, बट हमें लगता है कि ये जो पिछली बार इसने बनाया था ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। कौन सा लेवल? ये वाला जो 44,752, यानी कि आप ले लो 45,000 के आसपास का जो लेवल है, उस लेवल को फिर से होल्ड करके ऊपर जाना चाहिए बिटकॉइन को, तो क्योंकि वो एक सपोर्ट इसने पिछले कुछ दिनों में कंफर्म किया था जब पिछली बार नीचे आया था, और अगर उससे भी नीचे आता है तो 42,000 को हमें देखना होगा, ठीक। और अबव 50,000 ये गया, लेकिन ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं किया, सिर्फ एक विक बनी थी, तो इसको हम नहीं मानेंगे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और हमें चाहिए कि यहाँ से बिटकॉइन ऊपर की ओर जाए और एक अच्छा कुछ कारनामा करके दिखाए। आप देखो कि बुलिंजर बैंड को टच करके बिटकॉइन ऊपर जाता है, हो सकता है यहाँ से जो 46,000 तक नीचे आए और 46,000 से बिटकॉइन ऊपर जाए फिर से, तो ये हो सकता है हमारे लिए अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है कि 46,000 तक बिटकॉइन आए और 46,000 के बाद ऊपर जाए, तो ये मानना हो सकता है मेरा, बट ये एक पॉसिबिलिटी है। जनरली अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे अब AVAX को कब लेना है, डॉट को कब लेना है, सोल को कब लेना है, सबकी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, सारे ऑल्ट कॉइन्स नीचे आएंगे, और जिनके पास ऑल्ट कॉइन्स ऑलरेडी उन्हें घबराने की कोई बात नहीं, उन्हें पता है कि उनकी वैल्यू, ऑल्ट कॉइन्स अच्छे हैं उनके पास, फंडामेंटल है, वो ऊपर आएंगे ही, ठीक है। तो मार्केट आपको पता है कि रिकवर कर ही जाएगी आने वाले दिनों में, और अक्टूबर तक हमें बुल रन अच्छा खासा दिख जाना चाहिए। तो गाइस ये हो गई वीडियो अपडेट बिटकॉइन को लेके, बिल्कुल भी घबराना नहीं, एंड यहाँ पर आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो एग्जिट कर सकते हो, उसके अलावा लॉन्ग टर्म वाले सब जो है होल्ड करके रखना, बिल्कुल भी यहाँ पर घबराना नहीं। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी।